सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि नेवी और एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेक श्योर कि हर क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढूं तो आपको वीडियो पॉज करना है, अपना टाइम लेना है और इसको देखिए अभी से हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप अपना रूटीन बना लें कि हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन डेली ना मिले ना भी मिले, लेकिन मैं इसको डेली पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप डेली चैनल पर विजिट करेंगे, अपना रूटीन बना लीजिए और जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ उसको ऑनेस्टली बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखा और फिर मैच करवाया कि आपके सही है फिर नहीं, और आखिर में अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। क्यों कॉमेंट सेक्शन में लिखना है? दो फायदे हैं इसके। एक तो आपको खुद ही पता चलेगा डेली कि कल मेरा इतना स्कोर था, आज इतना कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और कम हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेहनत कीजिए और बढ़ाइए। और ये भी आपको पता चलेगा कि दूसरे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में अगर रिप्लाई दोगे तो सभी लोग को पता चलेगा ना कि कौन किस पोजिशन पर है और आप किस पोजिशन पर हो, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। तो बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो को, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना ताकि और मेरे को भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा आप लोगों के लिए डेली ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाएं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर से हम लोग चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है ही डैश, पहले तो करना क्या इस क्वेश्चन में, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक, यानी कि जो आने वाले तीन क्वेश्चन हैं उनमें आपको सही वर्ब भरनी है, ठीक है, सही वर्ब भरनी है। तो पहला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि ही डैश द बेल व्हाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर, रिंग, रैंग, वाज रिंगिंग या फिर इज रिंगिंग, आपके ऑप्शंस हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर बना के जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर मैच करवाना है कि आपका सही है या फिर नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही रैंग द बेल व्हाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। उम्मीद करता हूँ सभी का यहाँ पर आंसर सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर नहीं सही हुआ तो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि सही हो। अगला है वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, रेनिंग, इट रेन्ड या फिर हैज़ रेन। तो यहाँ पर आप फिर से वही आपको करना है, वीडियो पॉज करना है, आंसर लिखिए इसका जल्दी से। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रेन्स, वी शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, क्योंकि जनरल बात हो रही है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए जब बारिश होती है तब। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। अगला है सिक्स नंबर, दे डैश द वर्क अ वीक अगो, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड या फिर कैन फिनिश्ड। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनिश्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, नहीं सही हुए तो अगले आगे ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे, ऐसे ही एग्जैक्टली आते हैं आपके पेपर में। आप यहाँ मैं देखिए इन प्रैक्टिस सेट का बहुत इंपॉर्टेंस आपको समझा नहीं सकता हूँ, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एकदम, वो कोई वर्ड इधर से उधर नहीं होगा। तो इसी वजह से सीरियसली अटेम्प्ट कीजिएगा इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज़ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक, अभी आने वाले क्वेश्चन में सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ में सही प्रपोजिशन आपको भरना है, ठीक है। मैं चालू कर लूँ तो पहला क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर, जोसेफ इज़ बेंट डैश मिसचीफ, ऑन मिसचीफ, अपॉन मिसचीफ, ओवर मिसचीफ या फिर अबव मिसचीफ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपॉन, जोसेफ इज़ बेंट अपॉन मिसचीफ। तो अगर मैं इसको रेट करूँ इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा ये हार्ड लेवल पर का मैं ये क्वेश्चन कहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस हाउस इज़ ऑक्यूपाइड डैश माई कजिन्स, बाय माई कजिन्स, विद माई कजिन्स, फॉर माई कजिन्स या फिर फ्रॉम माई कजिन्स। तो जल्दी से इसको अटैम्प्ट कीजिए कॉमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, दिस हाउस इज़ ऑक्यूपाइड बाय माई कजिन्स, ठीक है, यहाँ पर बाय प्रपोजिशन का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है ही इज़ ऑलवेज डैश नीड ऑफ मनी, इन नीड ऑफ मनी, फॉर नीड ऑफ मनी, ऑफ नीड ऑफ मनी या फिर टू नीड ऑफ मनी। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, इन, ही इज़ ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी, यानी उसको हमेशा पैसे की ही ज़रूरत रहती है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है इट इज़ नाइस टू बी डैश यू, विद यू, फॉर यू, एट यू या फिर बिसाइड यू। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विद यू, इट इज़ नाइस टू बी विद यू, ठीक है, यानी कि तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ और जल्दी से मैच करवाइए आपके कितने सही हुए। सेवन्थ का है बी, एट्थ का है ए, नाइन्थ का है ए और टेंथ का है ए, ठीक है, तो बी ए ए। उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इलेवेंथ नंबर, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड। तो इसका आपको सही क्या करना है,
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है आपको जो करना है द करेक्ट यूज़ ऑफ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सही पॉजिटिव डिग्री के यहाँ पर लार्जेस्ट की आपको यूज़ करना है। तो अब यूज़ करिए आपके ऑप्शंस, अब वीडियो पॉज करके देखिए, मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर ऑप्शंस, पढ़ने को तो मैं पढ़ दूँ लेकिन उससे आपको टाइम वेस्ट होगा, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना ऑप्शंस पढ़िए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नो अदर आईलैंड इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। देखिए मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और जब आप एग्जैक्ट पेपर दोगे ना वहाँ पर एयरफोर्स का चने भी, आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि जो यहाँ पर बता रहा है सेंटेंस, वो मीनिंग सेंटेंस यहाँ पर ऑप्शंस में, कुछ ऑप्शंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उनको तुरंत एलिमिनेट करना है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। इसको यूज़ करके आपको, अगर आपको रूल नहीं भी आते होंगे तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड का मतलब क्या है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का या फिर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये स्टेटमेंट भी जो मैंने आपको आंसर बताया ऑप्शन नंबर सी, वो भी वही बता रहा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन का बता रहा है ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक है। तो ये नहीं होगा, क्यों, बड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक नहीं है बल्कि सबसे बड़ा है, ये बता रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सही डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क सेट द स्वामी टू द विलेजेस। तो मेरे को एक दूध का ग्लास दो, यानी कि एक ग्लास दूध दो, ऐसा स्वामी ने गांव वालों से कहा, ये इसका मीनिंग है। अभी इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। क्यों आस्क्ड होगा, क्योंकि उसने पूछा। ठीक है, ऑर्डर तो दे दिया नहीं, ठीक है, और सेट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आज लोगों की, क्योंकि उसने उनसे मांगा, ठीक है, पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज़ द ऑपोजिट ऑफ। ऑपोजिट का मतलब है इसको आने वाले दो क्वेश्चन में 13-14 में आपको एंटोनिम बताने हैं वर्ड्स के। क्या बताने हैं, एंटोनिम बताने हैं। तो असेंड और लायबिलिटी, पहले देखते हैं असेंड। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन है गो अप, क्लाइंब, डिसेंट या फिर डिसेंड। तो उसको जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डिसेंड, DECEND। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना या फिर गिरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लायबिलिटी। ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एसेट या फिर लाइकली। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, उम्मीद करता हूँ सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एसेट। लायबिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ आपसे कोई चीज़ ले, ठीक है, यानी कि आपको उसमें कुछ देना पड़े। एसेट का मतलब है जो कोई चीज़ आपको कमा के दे, ठीक है। लायबिलिटी वो होता है जो आपसे वापस ले, और एसेट चीज़ वो होती है जो आपको लौटा कर दे, जो कोई चीज़ गेन दे आपको, ठीक है, फ़ायदा दे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एसेट। अगला क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। चार वर्ड दिए हैं, किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो एक्सप्लेनेशन, एंटरटेन, एग्जामिन या फिर एग्जामेशन, आप एग्जामेशन आपके ऑप्शन हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर आई नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है और सभी के यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए आपको, कौन सा इस ब्लैंक में सही फिट बैठेगा वो आपको बताना है। दोनों का प्रोनंसिएशन आपको सेम देखने को मिलेगा लेकिन मीनिंग में डिफरेंस होगा। तो पहला क्वेश्चन 16th नंबर, मुंबई इज़ सिचुएटेड ऑन द सी। तो मुंबई सिचुएटेड ऑन द सी, यहाँ पर कोस्ट आएगा या फिर कोस्ट आएगा। देखिए दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, कोस्ट कोस्ट, अब COST वाला आएगा या फिर COAST वाला आएगा। तो एक्चुअली इसका प्रोनंसिएशन कॉस्ट होता है, इसका मतलब होता है कीमत। ठीक है, और इसका मतलब होता है ये जो यहाँ पर सी कोस्ट, यानी कि जो सी का समुद्र का किनारा होता है उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्री डैश अ लॉन्ग शैडो कास्ट या फिर कास्ट, CAST वाला कास्ट या फिर CASTE वाला कास्ट। सही आंसर इसका होगा, मैं कहता हूँ सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CAST वाला कास्ट। इस कास्ट का मतलब होता है जाति। ठीक है, इसका मतलब होता है परचाई डालना। ठीक है, कोई चीज़ डालना। द ट्री कास्ट अ लॉन्ग शैडो, यानी कि पेड़ ने एक लंबी परछाई बनाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 के लिए कि ओनली वन पार्ट मार्क्ड ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एरर, यानी कि इन तीनों में से एरर है किसी में। अगर किसी में भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन और सही आंसर होगा डी।
ठीक है, अगर किसी में भी एरर नहीं है तो, यानी कि नो एरर में आपका ऑप्शन होगा डी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, 18th नंबर है, आई एम नॉट एनवियस अबाउट हिज सक्सेस। तो क्या करना है आपको, अपना टाइम लीजिए वीडियो पॉज करके और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सभी ने लिख दिया होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी एनवियस अबाउट। इसमें एरर है, एरर क्या है यहाँ पर, एनवियस ऑफ होगा ना कि अबाउट, प्रीपोजिशन का यहाँ पर एरर है। आई एम नॉट एनवियस ऑफ हिज सक्सेस, एनवियस का मतलब होता है जेलस, ठीक है, तो मैं उसकी सक्सेस से, सफलता से जलता नहीं हूँ, ठीक है, जला नहीं है मेरे को, तो ये सही स्टेटमेंट इसका मीनिंग होगा। अगला क्वेश्चन 19th नंबर, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल हिज अराइवल। आपके आपको तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना जल्दी से। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल हिज अराइवल, तो यहाँ पर जो गलत है पार्ट वो है बी, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल होगा, अनटिल नहीं होगा, अनटिल और टिल में आपको अंतर पता होना चाहिए, यहाँ पर टिल होगा, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का, द ट्री इज वेरी हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो जो पेड़ है वो इतना हाई है कि मैं उसमें चढ़ नहीं सकता हूँ, तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें कितने सही हुए हैं आपके बताइए कमेंट सेक्शन में, और कंपेयर कीजिए दूसरों से कि आपका कितने मार्क्स आए, ठीक है, और आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है अगर कम आए, और ज़्यादा है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना भी कर सकते हैं प्लीज़ कर दीजिए, सिर्फ आप लोगों से शेयर करने को ही बोलता हूँ मैं, और सब्सक्राइब कर लेना वो आप ही के फ़ायदे के लिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।